हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं बसंत गुप्ता आज आपके सामने एक और वैकेंसी के बारे में, एक और गेट 2023 के थ्रू जो रिक्रूट कर रहे हैं वैकेंसीज, उसी सीरीज में एक और आज अपन बात करने वाले हैं। एक और नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हो गया है, वो नोटिफिकेशन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश हुआ है। तो DRDO ने भी बोल दिया है कि हम गेट 2023 के बेसिस पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट करने वाले हैं आप लोगों को। देखो डियर, DRDO का एक वैकेंसी अभी ऑलरेडी रनिंग में है। गेट 2022 का जो स्कोर था उस पर उन्होंने स्क्रीनिंग कर ली है। अब DRDO का पैटर्न आपको पता है, DRDO में पहले क्या होता है कि गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद फिर उनका UPSC का जो एग्जामिनेशन है उसके पैटर्न पे दो कन्वेंशनल पेपर होते हैं। सेम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस पेपर है वैसे ही दो पेपर DRDO लेता है और उसके बाद इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग जो होता है इनका गेट के बेसिस पे होता है। तो एक वैकेंसी अभी ऑलरेडी रनिंग में है गेट 2022 के बेसिस पे, तो स्क्रीनिंग हो चुका है और उसका जो एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन वो आई थिंक अक्टूबर में ही है, ठीक है ना, 20 अक्टूबर के आसपास या दिवाली से जस्ट पहले ऐसा कुछ है, ठीक है। तो गेट 2023 के बेसिस पे भी वो आपको सेलेक्ट करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी DRDO का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि नेक्स्ट ईयर भी वो गेट 2023 जो बच्चे लिखने वाले हैं उनको लेने वाले हैं। तो डियर इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी इन DRDO। DRDO में साइंटिस्ट बी का वैकेंसी आप लोगों के लिए आया है। बी इट नोन टू द कैंडिडेट्स डिजायरियस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे बी नोटिफाइंग वैकेंसी ऑफ द साइंटिस्ट बी फॉर द ईयर ऑफ 2023 इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। 2023 का जो वैकेंसी है वो जल्दी ही ये बता देंगे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द वैलिड गेट स्कोर और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू फॉर द वैकेंसी इन द डिसिप्लिन फॉर विच गेट इज कंडक्टेड। गेट जिन जिन डिसिप्लिन में कंडक्ट हो रहा है उन सारे डिसिप्लिन में ये अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू रिक्रूट करने वाले हैं। तो पहला इनका क्या होता है, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू स्क्रीनिंग हो जाता है, उसके बाद इनका UPSC ESC जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स का जो मेंस एग्जाम होता है, दो पेपर होते हैं कन्वेंशनल 1 और 2, वैसा सेम पैटर्न इनका रहता है, रिटर्न होता है, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि गेट जो जो डिसिप्लिन में एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है इंक्लूडिंग दोज अंडर लाइफ साइंसेज अंडर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज, आपको पता है गेट में ये पेपर इंक्लूड हो गए हैं लाइफ साइंस और ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस का, तो इनमें भी वो रिक्रूट करने जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सी भी ब्रांच से हैं आप DRDO के एलिजिबल हैं। ओनली दोस कैंडिडेट हु विल पासस वैलिड गेट स्कोर ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है बच्चों। तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो DRDO आपका आठवां वैकेंसी है जो गेट के थ्रू रिक्रूट करने जा रहा है। ऑलरेडी 7 वैकेंसीज आ चुके हैं, अब ये 8th नंबर का वैकेंसी है। तो डियर अब गेट 2023 का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे होंगे, और अब टाइम भी आपको गेट 2023 का जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो जितने भी मंथ बचे हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, रिविजन करिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है, पूरा जी जान से लग जाना है। तो ठीक है डियर, ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपके जितने भी PSU के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सारे के सारे अपन लोग इसी YouTube चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू।